भाई साहब, ये 800 है, ओल्ड मॉडल है ये। इस गाड़ी में क्या है कि रात को स्टार्ट नहीं हुई थी, वो मैंने जब सुबह आज स्टार्ट करने के लिए गया था मैं, तो मैंने प्लग खोला था। इस प्लगों में तो कचरा तो है, इसमें भी कचरा है दो के अंदर, और जो एक नंबर पिस्टन है उसके ऊपर प्लग के अंदर पानी आ रहा है। हेड गैस्केट भी सही है, और गाड़ी कल सुबह चल कर ही आई थी, नाइट को स्टार्ट नहीं हुई थी। आज मैंने सुबह फिर देखी इसको, गाड़ी को प्लग भी बदल दिया मैंने, जब एक नंबर पिस्टन पर इसमें पानी है, फिर प्लग लगाया, फिर वापस खोला, फिर भी पानी दिखाई दे रहा है, और रेडिएटर के अंदर भी पानी कम नहीं कर रही है। ये देखो फिर वापस पानी आया इसके अंदर। मैंने मैनिफोल्ड भी खोल लिया, ये भी सूखा है, ये भी सूखा है, और ये तीन नंबर यहाँ से तो सूखा दिखाई दे रहा है, पर अंदर वाल है ना वो गीला है अंदर से। और मैंने इसकी कैम भी ऊपर से अच्छे से चेक कर ली है, इसकी डब्बी कैम के नीचे की, वो भी लीक नहीं है। अगर अपने ग्रुप के मैकेनिक भाई को थोड़ा सा भी अगर ध्यान हो तो प्लीज़ मेरे को बताए। इसमें एक तो वो जो साइलेंसर के अंदर पानी आता है वो भी ठीक है, मेरे को लाइन लून सही दिखाई दे रही है। अगर फिर भी अगर थोड़ा सा किसी भाई को भी नॉलेज तो है, अपने मैकेनिक भाइयों को थोड़ी सी मेरे को बताई।